हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड बजने वाले सुबह के साथ, और जय अपने को तो नहाने के लिए जा रहा है, और सुबह सुबह मुझे दे दिया है काम। मुझे करना है जय के कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि अभी ये लोग कहीं जाने वाले हैं, मम्मी, जय, जीजा जी और दी। तो मेरा मोबाइल हो गया है आटा आटा वाला, तो अभी कर लेती हूँ जय के कपड़ों में प्रेस। इसीलिए तो जय ने दे रखा, अपने को तो मस्त नहाने चला गया और मुझे उठा दिया, क्योंकि मैं तो मस्त सोई हुई थी और ब्रश भी नहीं कर रखा है। और देखो, शुरुआती काम से हो रही है, यानी कि आज दिन भर कितना काम करना पड़ेगा पता नहीं। तो फिलहाल कर लेते हैं इसके कपड़ों में प्रेस, उसके बाद करूंगी मैं भी ब्रश। मम्मी लोग हो चुके हैं रेडी फटाफट से। जय कहाँ रह गया? आज जय ड्राइव करने वाला है, देखते हैं क्या होता है। सबके सब तो आ गए, लेकिन जय कहाँ रह गया? अरे दी भी तो बाकी है। दी कैमरे में नहीं आना चाहते, दी को कैमरे में आना पसंद नहीं है। देखो कैसे छुप रहे हैं। लेट कॉमर, तेरा मोबाइल हाँ ले आओ। तो मोबाइल भूलने जा रहा है वो, दौड़ लगा। और सैंडल, सैंडल पहन। ये कितनी बेचैनी हो रही है। सैंडल भी दे दो उसको, मोबाइल रख लिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ 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 जाओ। सो फ्रेंड्स, मम्मी लोग तो चले गए हैं बन्ना खेड़ा, और अभी घर पर हैं मैं और भाभी। तो अभी तक मैंने ब्रश नहीं कर रखा है, तो मैं भी चलती हूँ और फटाफट से कर लेती हूँ ब्रश। और यहाँ पर भाभी कपड़े धोने हैं, इसीलिए सारे कपड़ों को सर्फ में भिगो करके रख रहे हैं, क्योंकि फटाफट से करूँगी ब्रश, उसके बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद धोए जाएंगे कपड़े। मम्मी लोग तो ब्रेकफास्ट करके गए, भाभी ने ज़बरदस्ती करवा दिया था मम्मी को ब्रेकफास्ट अपना आतंक दिखा के। तो अभी हम दोनों की बारी है, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ ब्रश, उसके बाद फिर, क्योंकि धूप आ जाएगी तो काम भी कंप्लीट करना है। 7:30 हो चुके हैं। ठीक है, चलो बाय बाय बाय। आना फिर अगले बार चंदू और चाहत को पक्का लाना। तो अभी मम्मी जा रहे हैं दी और जीजा जी को आगे बस तक बैठाएंगे, तो आगे छोड़ेंगे, बस का वेट करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, जय को अभी बसंती दी और जीजा जी लोगों को बस में बैठा करके आकर अब यहाँ पर गढ़वाली गाने भी सुन रहा है और ब्रेकफास्ट भी चल रहा है। ये ऐसे गढ़वाली में कुमारी दोनों सुन रहा हूँ। अभी सुरमा सरेला गढ़वाली, अभी माठू माठू में आ गया। आजकल इसको पहाड़ी गाने सुनने का बहुत शौक है, आजकल नहीं काफी टाइम से, और जब से पहाड़ से आ रखा है तब से तो ये बिल्कुल फुल पहाड़ी फॉर्म में, पहाड़ी वाइब चल रहा है। और देखो पहाड़ी स्टाइल में खाना, देखो पीसीयू लून रोटी और चाह। मेरा खाना मंडवा रोटा, तेरा खाना पिज्जा को। ये देखा। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं 2, और आज हम लोग इतना लेट कर रहे हैं अपना लंच। आजकल हर चीज में लेट हो जा रहा है, कभी डिनर 9 बजे हो जा रहा है, कभी लंच 2 बजे हो जा रहा है, तो इसीलिए आज भी लेट हो गया हम लोगों को। आज लंच कर रहे हैं हम लोग 2 बजे के टाइम पर, और आज बना रखी है आलू की दाल। आलू की दाल इसीलिए बनी है क्योंकि मॉर्निंग में इसकी सब्जी बनाने के लिए बॉईल किया गया था, बट फिर इसकी सब्जी बनाई नहीं गई, तो इसको लंच के लिए दाल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये लोगों को देखो कितने बिजी इंसान है, एक खाने के टाइम पर वहां पर मोबाइल लेकर के बैठा हुआ है, और उससे भी बड़ा वाला यहाँ पे है, देखो ईयरफोन लगा रखा है और कोई मतलब ही नहीं है। ये है यहाँ के बहुत बिजी लोग। फिलहाल हम लोग कर लेते हैं अपना लंच। बिजलू भी गर्म से परेशान होकर के बाहर गैलरी में सो रहा है, तो जब तक वो सो रहा है हम लोग करेंगे आराम से अपना लंच। जब वो उठेगा तो वो करेगा अपना लंच। आज
आज बिजलू कहाँ सो रखा है, ये कैसे सोया है? आज ये इस वाली गैलरी में आ गया सोने के लिए। आज इसने सही जगह सेलेक्ट की अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर होता है ठंडा ठंडा थोड़ा। बिजलू, तुझे खाना खिलाने के लिए कितने पराक्रम करने पड़ते ना, फिर जा करके खाता है तू खाना। अभी दिया तो खा नहीं रहा था, रिक्वेस्ट करनी पड़ती कि खा ले खाना, खा ले दूध पी ले। बिजलू, ओ बिजलू जा रहा है? वो देख, मैंने पाउडर लगा के दिया था, सब उड़ा दिया। जा रहा है? हवा चल रही है ना बाहर, 6 भी बज चुके हैं, इसीलिए। बिजलू जा रहा है। गुड नाइट बिजलू। वो देखो कैसे वहां मिट्टी में लोट पोट हो रहा है। तेरे को पाउडर इसीलिए लगा के दिया था यार मैंने। ओए बिजलू, और क्या कर रहा है तू वहां? समय बज रहे हैं 7:30 और मैं और भाभी आ गए हैं किचन में और भिंडी धोकर यहाँ पर रख दिया। और भाभी ने तो काटना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज जय की डिमांड पर बन रहा है भिंडी पकोड़ा सब्जी। उस दिन जब बनाया था तो जय को काफी अच्छा लगा था, इसीलिए आज फिर से जय के लिए बन रहा है स्पेशली। तो आज हेल्प करने के लिए साथ में है भाभी। भाभी इसीलिए काटना भी शुरू कर दिया है भिंडी को, तो करते हैं भाभी की मदद, फटाफट से बना लेते बिकॉज हो चुका है 7:30। सो फ्रेंड्स, पूरी तरीके से तैयारी कर दी है भिंडी के पकोड़े बनाने के लिए। इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, अजवाइन और बेसन डाल दिया है। तो अब बनाने की तैयारी करेंगे पकोड़े। और यहाँ पर तैयारी चल रही है भाभी की रोटी बनाने के लिए, आटा गूंद रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हो चुका है तेल गरम और रेडी है यहाँ पर पकोड़े बनाने के लिए, तो शुरुआत कर देते हैं अब पकोड़े बनाना। और भाई भाभी ने तो शुरुआत कर दी है रोटी बनाने के लिए, आटा गूंद दिया है, चकला बेलन भी बाहर आ चुका है, तो अपना अपना काम पकड़ लेते हैं, करते हैं शुरुआत। सो फ्रेंड्स, भिंडी के पकोड़े तो बन चुके हैं और साइड से भाभी ने लगभग सारी रोटी भी कंप्लीट कर दी है, बस 2-3 रोटी बनाना और बाकी है। और प्याज वगैरह काट दिया है, लेकिन टमाटर का हो रहा है यहाँ पर वेट। इतने देर से इन लोगों से टमाटर मंगा रहे हैं, बट टमाटर लेकर के नहीं आ रहे बिकॉज घर के अंदर टमाटर खत्म था। तो अब जाकर के जा रखे टमाटर लेने के लिए, तो जब तक आते हैं टमाटर लेकर के तब तक करना पड़ेगा वेट, कहीं ऐसा ना हो कि भाभी का तो रोटी भी बन जाए बस सब्जी बनने में लेट हो जाए, क्योंकि अभी तो तड़का वगैरह सब लगाना बाकी है। सो फ्रेंड्स, नहीं मिला टमाटर तो आज करना पड़ेगा टमाटर स्किप, इसीलिए अब बनेगी सब्जी बिना टमाटर के। तो बाकी चीजें तो यहाँ पर रेडी है और तेल गर्म होने के लिए भी रख दिया है, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो अभी सब्जी बनेगी इसीलिए तो हाँ। और यहाँ पर भाभी ने रोटी बना करके भी कंप्लीट कर लिया है। अब जय और भाभी में बहस चल रही है कि कौन पहले जाएगा नहाने के लिए। अब मालूम चल रहा है ये दोनों के दोनों नहा भी ले रहे हैं और मेरा यहाँ पर ये सब्जी बनकर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो जब तक ये दोनों नहा करके आता है, फटाफट से बना देती हूँ सब्जी। तो फ्रेंड्स, रेडी है भिंडी के पकौड़े, जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज और मिर्ची, लेकिन आज नहीं है टमाटर बिकॉज मार्केट में टमाटर नहीं मिला आज, तो स्किप करते हैं। बन गया भिंडी पकोड़ा सब्जी। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं रात के 9 और बन चुका है हम लोगों का डिनर। तो फ्रेंड्स, लास्ट मोमेंट तक भी टमाटर का इंतजार किया, बट टमाटर नहीं आ रखा है, तो आज बिना टमाटर के ही बना दिया है सब्जी।
तो वो भी स्पेशल जय की डिमांड पर बन रखा है। अब देखते हैं अच्छा बना है नहीं बना है। देखना पड़ेगा क्योंकि टमाटर नहीं तो थोड़ा सा तो स्वाद में फर्क आया ही होगा। और आ गए पिछली बार जब बुआ ने बनाया था तो मेरे जीभ के नीचे बहुत अल्सर हो रखा था जिस वजह से ये खा नहीं पाया था तरीके से, बट इसे काफी अच्छा लगा था इसीलिए आज फिर बनाया लेकिन बिना टमाटर के। तो फिलहाल जय के डिमांड पर ही सब्जी बन रखी है, उसके डिमांड पर ही इस टाइम पर चाय बन गया है, डिनर के टाइम पर बिल्कुल ब्रेकफास्ट जैसा सीन चल रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल कर लेते हैं हम लोग भी अपना डिनर और मैं भी करूंगी अपना आज का व्लॉग है प्री क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और फ्रेंड्स आज मेरे 700 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट्स के वजह से, तो आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।